हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज देखिए, रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि मास्टरमाइंड राम कृपाल मीणा से पूछताछ में आया सामने ये कि दो लोगों को दी थी धनराशि और एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार करके 71 लाख रुपए जो है वो जब्त किए हैं। देखिए कितनी बड़ी धनराशि जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो है वो ली थी। तो अब एसओजी ने जो आरोपी भजन लाल है और उसकी जो अभ्यर्थी है सोहिनी देवी, जिसको इसने पेपर बेचा था, तो उससे पूछताछ कर रही है कि आगे जो है और कितने लोगों को इन्होंने ये पेपर जो है वो बांटा है। तो अब धीरे धीरे करके जो है वो खुलासा हो रहा है और आए दिन जो है वो बहुत सारी न्यूज़ जो है वो रीट के संदर्भ में आ भी रही हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है वो ये कह रही है कि रीट का पेपर जो है वो रद्द नहीं होगा। तो आप जो है खुद ही देख लीजिए, सरकार को मेरा यही कहना है कि आप खुद देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से रीट में जो है वो बहुत बुरी तरह से धांधली जो है वो हुई है। अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चे जो हैं वो इस वक्त इतने हताश हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है वो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिन्होंने मेहनत की थी, मार्क्स भी अच्छे लेके आए थे, वो भी इस बार जो है वो बहुत परेशान हैं। तो ये हुआ क्यों है? ये उन बच्चों की वजह से ही हुआ है जो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में तो उनका बिल्कुल मन नहीं करता है और पैसे देकर जो है वो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शिक्षक यदि वो बनते तो भविष्य जो है बच्चों का वो बिल्कुल खराब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जैसे कि डॉक्टर की होती है। यदि एक मरीज जो है वह बीमार होता है तो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से टीचर की जिम्मेदारी होती है। टीचर ही बच्चों को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है। तो यहाँ पर टीचर ही यदि ऐसे पास होकर आएगा और ऐसे टीचर बन जाएगा तो देश का भविष्य जो है वो कहाँ होगा, आप खुद ही सोचिए। तो बिल्कुल हर एक बच्चा जो भी चीटिंग करके यहाँ पर पास होने की सोचा, 132 से अधिक नंबर जो है ये लेकर आए हैं, तो इन सबको पकड़ा जाना चाहिए और इनको ऐसी सबक जो है वह मिलनी चाहिए कि जो भी इस बारे में करना सोच रहे हैं वो कभी ना करें। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं और उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें बच्चे ये सोचे बैठे हैं कि इस बार यदि इतनी बड़ी धांधली है जो हमें सामने देखने को मिल रही है तो आगे की परीक्षाओं में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो इसमें जो है हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर एसओजी की टीम जो है वो बहुत अच्छे से काम तो कर रही है, लेकिन कुछ जो है अफसर के नाम यहाँ पर भी सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एसओजी की टीम में भी अगर अफसर यदि इस मामले में लिप्त हैं तो जांच अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सरकार को सीबीआई से जांच जो है वो करानी चाहिए और रीट का पेपर जो है यहाँ पर रद्द होगा या नहीं होगा, सरकार कह रही है कि रद्द नहीं होगा। तो देखिए बच्चों का नुकसान तो होगा, लेकिन पूरे तरीके से हर एक बच्चे को निकाल पाना जिन्होंने भी पेपर खरीदा है, तो ये कहाँ तक चैन गई है इसका किसी को नहीं पता है। तो इसमें यदि पेपर को रद्द कर दिया जाता है तो ये सही होगा। उसकी वजह क्या है कि 3-4 मंथ के बाद ही आपका रीट का दोबारा से पेपर होगा। वहां आपको 52,000 तक लगभग जो है यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, तो वो अब भी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अब मार्क्स जो है वो कमाने वाले हैं, क्योंकि मेहनत उनकी पूरी है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तो सीबीआई की जांच जो है वो करवाए सरकार, दूसरे जो वैकेंसी है जो कि बच्चे 50,000 की डिमांड कर रहे थे, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए पदों की संख्या। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो बहुत परेशान है, लगभग 3 साल हो चुके थे और ये चौथी साल जो है वो इसमें लग जाएगी। कई जो माँ बाप हैं जिन्होंने बहुत परेशानी जो है वह उठाकर और फिर अपने बच्चों को पढ़ाया, कोरोना में तो इतनी बुरी हालत हो चुकी थी बच्चों की कि उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से की है, मेहनत की है।
तो सरकार को उनकी मेहनत का फल जो है वह सरकार से मांगना पड़ रहा है। खुद मेहनत करता है बच्चा और सरकार से मेहनत का फल मांग रहा है। तो ऐसे में सरकार को तो खुद ही आगे आना चाहिए। अब आप खुद देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो बच्चों के लिए आगे आए हैं। ऐसे ही नेताओं को खुद ही आगे आना चाहिए। यदि वो खुद ही इसमें लिप्त हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो जो सरकार है उसको इस बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए। एसओजी की टीम काम कर रही है, लेकिन यदि उसमें से अफसर भी लिप्त हैं तो वो लोग इन लोगों को बचा लेंगे। तो इसीलिए सीबीआई की जांच तो होनी ही चाहिए, पद बढ़ाए ही जाने चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है कि जो एग्ज़ाम हो चुका था रीट का 2021 का, तो इसकी विज्ञप्ति के जो काउंसलिंग के फॉर्म जो हैं वो भी भरवाए जा रहे हैं, और लगातार भरवाने के साथ ही सरकार जो है आगे की कार्रवाई भी कर रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है वो क्या चाहती है। जब वो पूरी तरीके से पता लग चुका है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था, तो ऐसे में सरकार जो है ये कार्रवाई आगे कैसे कर सकती है। तो बिल्कुल जो है वो क्लियर करना चाहिए सरकार को, मेरा तो ये मानना है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय दीजिएगा। और जो भी बच्चे जो हैं इसमें आगे अपने कार्य जो है कर रहे हैं, जोरों शोरों से सरकार को अपनी जो है बातें जो हैं वह बता रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए। आप लोग जो हैं यदि कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीबीआई की जांच जो है वो होगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये सोचिए, आप सभी का भविष्य जो है वो खतरे में है। हो सकता है आगे जो है वो आगामी हमारे बच्चों का जो है भविष्य खतरे में हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बिल्कुल जो है सच्चाई जो है वह तो सामने आनी ही चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग जो है वो क्या चाहते हैं। वास्तव में जिनके जो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या वो भी बच्चे चाहते हैं कि रीट का पेपर रद्द हो, ठीक है, और वैकेंसी जो है वह 50,000 से अवर आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।